नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में बात करने वाले हैं आईएएफ को लेके दो खबरों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, पहले खबर में बात करेंगे एक इनिशियल रिपोर्ट के बारे में जो कि मलेशिया से आ रही है। और इस इनिशियल रिपोर्ट की माने तो आईएएफ कहीं ना कहीं अग्री कर गई है जो प्रपोजल था मलेशिया का कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए जो $36 बिलियन की लागत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील थी, जिसमें तेजस ने पार्टिसिपेट भी किया था, और उसके पेमेंट को लेके वो लोग ऐसा चाह रहे थे कि उसके पेमेंट के रूप में उनके पास जो पुराने MiG-29 है और जो पाम ऑयल है, इन सब का लेन देन करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पेमेंट की जाए, जो भी कंट्री उनको ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने वाली है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अटकलें थी कि इंडिया इसके लिए अग्री करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया इस अग्रीमेंट को लेके मान गया है, और शायद कहीं ना कहीं इंडिया अपने LCA-Tejas की दावेदारी इस कंपटीशन में और बढ़ाने के लिए इस अग्रीमेंट की तरफ जाने की सोच रहा है। और इसी डिफेंस सेगमेंट में हम बात करेंगे, हमने कल ही पोस्ट किया था कम्युनिटी सेक्शन में कि इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है अपना CBU, एक एंटी टैंक स्मार्ट बॉम्ब जिसे CBU-105 के नाम से बताया जा रहा है। और अभी इस डिफेंस सेगमेंट में बात करेंगे कि कैसा है ये बॉम्ब और किस तरह से ऑपरेट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे CBU-105 की, जिसे IAF ने टेस्ट किया है जैगुआर के अपग्रेड वर्जन से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते होंगे, जैगुआर का अपग्रेड वर्जन ये जैगुआर डेरिन 3 के साथ बहुत सारे सेंसर्स को कंट्रोल करने में सक्षम था, और इसीलिए इस पे CBU-105 बॉम्ब टेस्ट किया गया है, क्योंकि ये बॉम्ब एक सेंसर फ्यूज वेपन है जिसे इंडिया ने प्रोक्योर किया है तकरीबन 500 की मात्रा में USA से। तो जी हाँ दोस्तों, इस बॉम्ब को USA से प्रोक्योर किया गया है, और ये बॉम्ब तकरीबन 450 किलोग्राम का है जिसे GPS के द्वारा गाइड किया जा सकता है, और ये बॉम्ब दिन और रात दोनों सिचुएशन में आसानी से अपने आप को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। जैसा कि आप सबको बता दूं, इस टेस्ट के दौरान इस बॉम्ब ने अपने सारे पैरामीटर को सक्सेसफुली परफॉर्म किया है, और इस टेस्ट के दौरान जिस कंपनी ने इस CBU-105 को मैन्युफैक्चर किया है, वो भी कंपनी IAF के साथ वहां पे मौजूद थी। तो आइए जान लेते हैं क्यों खास है ये CBU-105 और क्यों इसका वेट 450 किलोग्राम है और ये क्या क्या करने में सक्षम है। तो CBU-105 जिसे CBU-97 सेंसर फ्यूज्ड वेपन के नाम से भी जाना जाता है US एयर फोर्स में, ये एक क्लस्टर यूनिट बॉम्ब का हिस्सा है जिसमें से CBU-97 एक प्रीवियस वर्जन था जिसे 105 का नाम दिया गया है। उसमें CBU-97 में कुछ इन्हेंसमेंट करके, जैसे कि प्रिसीजन गाइडेड वेपन, इसको बनाकर CBU-105 नाम दिया गया है। तो आइए बात करते हैं क्यों खास है ये बॉम्ब और ये क्या क्या करने में सक्षम है। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, इस बॉम्ब में दिए गए हैं तकरीबन 40 स्किट, और ये 40 स्किट सक्षम है 40 ही टैंक को उड़ाने में, मतलब एक तीर से 40 टारगेट। और इन सभी 40 स्किट में लगा हुआ है इंफ्रारेड और लेजर सेंसर जो कि अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट को ट्रैक करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगे। तो आइए जानते हैं इसे और नज़दीक से। जैसे कि आप सब जानते होंगे, CBU-97 जो कि एक अनगाइडेड बॉम्ब था, और CBU-105 जिसे फिन्स लगाकर गाइडेड बॉम्ब बनाया गया है। और जैसे ही ये 450 किलो का बॉम्ब किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और वो जैसे नीचे पहुंचता है, तो इसके अंदर दिया गया है एक्सप्लोसिव कटिंग मैकेनिज्म जो कि इस बम को तकरीबन 5 हिस्सों में काट देता है, इसके आउटर शेल को, और उसके अंदर तकरीबन 5 सब म्यूनिशन दिए गए होते हैं, और वो 5ों सब म्यूनिशन सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद जैसे जैसे वो नीचे गिर रहे होते हैं तो वो 5ों सब म्यूनिशन अपने अपने पैराशूट खोल देते हैं, और पैराशूट खोलने के बाद वो 5ों सब म्यूनिशन रॉकेट मोटर्स ऑन कर लेते हैं, जिसके वजह से उन्हें एक स्पिनिंग मोशन मिल जाता है उनके वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में। और जैसे ही ये 5ों सब म्यूनिशन नीचे आ रहे होते हैं तो ये साइड वाइज 8 स्किट खोल देते हैं, ये 5ों, तो 8 × 5 तो ये तकरीबन 40 स्किट हो जाते हैं। तो एक सब म्यूनिशन में 8 स्किट होते हैं जो कि तकरीबन 90 डिग्री के एंगल पे खुलता है, जैसे कि आप सबको अभी दिख रहा होगा। और इन सभी स्किट में अपने अपने इंफ्रारेड सेंसर और लेजर सेंसर दिए गए होते हैं, और जैसे ही ये स्किट खुल जाते हैं तो इन स्किट में एक कनिंग मोशन होता है, जिसकी वजह से वो कनिंग मोशन हेल्प करता है इसमें लगाए गए सेंसर्स और लेजर्स को अपने अपने टारगेट को डिटेक्ट करने में। और जैसे ही उनको अपने अपने टारगेट मिल जाते हैं, मान लो इंफ्रारेड सेंसर्स को ये मिल गया कि ग्राउंड पे कहीं से बहुत ज़्यादा हीट सिग्नेचर्स मिल रहे हैं, वो चाहे व्हीकल के इंजन से आ रहे होंगे, और दूसरी तरफ लेजर सेंसर को ये पता चल गया कि इस व्हीकल की हाइट इतनी है, तो ये दोनों अपने अपने सेंसर डेटा को मिलाकर तुरंत एक्सप्लोसिव को डेटोनेट कर देते हैं। और इस डेटोनेशन के बाद जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो दो काम करने में जुट जाते हैं। पहला काम होता है वो लॉन्च करता है एक्सप्लोसिव फॉर्म्ड पेनेट्रेटर EFP, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी पेनेट्रेटर, मतलब एक स्पीड के साथ अपने टारगेट पे पेनेट्रेट करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के आर्मर को भेदने में सक्षम हो जाता है, चाहे वो आर्मर किसी भी मेन बैटल टैंक का ही क्यों ना हो। तो इस तरह से ये 40 के 40 अपने अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़ते हैं। अगर 40 टैंक नीचे हैं तो वो 40ों को पेनेट्रेट करने में सक्षम होंगे। अब मान लेते हैं ऐसा केस जहाँ पे कुछ ही टैंक्स हैं
तो बाकी के जो सबम्यूनेशन और स्किट्स हैं वो क्या करेंगे? तो जिन भी स्किट्स को अपना अपना टारगेट नहीं मिलता है तो उनमें कुछ फंक्शन दिया गया है, और उस फंक्शन की वजह से जैसे ही वो जमीन के 50 मीटर नीचे आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाते हैं तो जमीन के जैसे ही नज़दीक गिर रहे होते हैं तो उनमें एक क्लॉक सिस्टम दिया गया है जो कि इन स्किट बॉम्ब को अपने आप ही डिफ्यूज कर देता है ताकि किसी भी तरह के सिविलियंस का नुकसान ना हो उनके ज़मीन पर आने पर। तो इस तरह के फंक्शंस इसमें दिए गए हैं। तो टेक्निकल यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इस तरह के बॉम्ब IAF में आ जाने से कहीं ना कहीं IAF को अपने एडवर्सरीज पे एक एक्स्ट्रा एज देगा, और इंडियन आर्मी के जितने भी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जैसे कुछ ऑपरेशंस हैं या फिर जो भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने में सहूलियत हो जाएगी। तो चलिए इसी डिफेंस सेगमेंट में बात कर लेते हैं न्यू प्रपोजल के बारे में, जिसको लेके कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया अग्री कर गया है, और ये रिपोर्ट मलेशिया टुडे से आ रही है। तो इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया ये अग्री कर गया है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को $36 बिलियन की लागत से सप्लाई किए जाने वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कंपटीशन के लिए जो भी पेमेंट का मेथड था वो पेमेंट का मेथड बार्टर मेथड ही रहने वाला है ये पेमेंट का ऑप्शन। जैसा कि आप सब जानते होंगे मार्च में ही रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लाइट कॉम्बैट मैन्युफैक्चरर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रशिया का YAK-130 जिसे मैन्युफैक्चर किया है इरकुट एयरस्पेस ने, वहीं पे पाकिस्तान JF-17 के साथ इंटरेस्टेड है इस डील में, और दूसरी तरफ साउथ कोरियन कंपनी अपने F-50 के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इन सभी में जो पेमेंट को लेके कहीं ना कहीं ये एक स्पेकुलेशंस थी कि मलेशिया इनकी पेमेंट बार्टर मेथड के थ्रू करना चाहेगा, क्योंकि उनका जो डिफेंस बजट है वो भी इस कैपेबल नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर कर सके। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा था कि रशिया, पाकिस्तान और साउथ कोरिया का जो इसमें कंटेंडरशिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बार्टर मेथड को अलाउ करेंगे अपने पेमेंट में। वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया की जो दावेदारी थी वो उतनी मजबूत नहीं बताई जा रही थी, लेकिन अभी ये रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इंडिया भी LCA तेजस के बदले जो पेमेंट होगी उसे बार्टर मेथड में लेने के लिए अग्री कर गया है। और इस प्रक्रम के अनुसार जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के पास उनके पुराने तकरीबन 13 MiG-29 है, और साथ ही जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है मलेशिया में वो एक सरप्लस अमाउंट में होता है, तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाकर वो अपने तकरीबन 30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पेमेंट के रूप में पे करना चाहते हैं अगर इंडिया इस कंडीशन के साथ अग्री कर गया है। हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट मलेशिया टुडे में छपी है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप तेजस की दावेदारी इस कंपटीशन में और स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।